हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी में पढ़ेंगे हम स्वर की मात्राएं, है ना। स्वर की मात्राएं व्यंजन वर्ण मिलके क्या करते हैं, हम लोग शब्द रचना, शब्द रचना पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं, है ना। स्वर की मात्राएं, स्वर वर्ण से ही स्वर चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, मात्राएं। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण, उसके बाद फिर मात्राएं देखेंगे, है ना। तो ये है स्वर वर्ण, बोल रही हूँ मैं, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ हम आहा, है ना। ये ऐसे उच्चारण करते हैं इसका। अब देखते हैं इधर मात्राएं देखते हैं, ये अ है तो छोटा अ, है ना। अ आ की मात्रा यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, है ना, ये डायरेक्ट सीधा लाइन रहेगा। जैसे व्यंजन वर्ण में, हर व्यंजन वर्ण में ये अ की मात्रा लगा रहता है, अक्षर में दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें रहता है ना। अब ये आ की मात्रा, ये बड़ा आ है, इसको बड़ा आ भी बोलते हैं। तो आ की मात्रा देखिए, ये रखिए दिया हुआ है स्लीपिंग लाइन, उसमें एक रखिए और खींच देंगे तो ये हो जाएगा आ की मात्रा। अब ये अ है तो ये आ है, है ना, ये आ है और ये बड़ा आ की मात्रा है, तो ये वाला मात्रा को हम यहाँ पे अलग कर दिए, है ना। तो ये हो गया आ की मात्रा। अब ये छोटी छोटी लेफ्ट हैंड साइड से सामने से पीछे जाता है ना, तो ये हो गया छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा ये पीछे से आएगा, आ की मात्रा पहले बनाएंगे, उसके बाद ये ऊपर ऊपर से सामने की तरफ, तो ये बन जाएगा बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगता है, ऊपर की ओर मुंह रहता है इसका। बड़ा ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे, व्यंजन वर्ण हो या कोई भी वर्ण हो उसके नीचे में लगता है, जिसका मुंह नीचे तरफ रहता है, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा, इसको क्या बोलेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा। री की मात्रा तो ये भी नीचे लगता है कोई भी वर्ण के, और ये है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा ये ऊपर में एक मात्रा बनता है, तो इसको हम बोलेंगे ए की मात्रा। ऐ की मात्रा तो ये ऊपर में ए की मात्रा में एक लगा दिए, उसी के जस्ट ये दो मात्रा लगाएंगे हम, इसको बोलेंगे ऐ की मात्रा, है ना। ओ तो ओ की मात्रा के लिए आ की मात्रा पहले लगाएंगे, फिर ये ए की मात्रा ऊपर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ओ की मात्रा। औ की मात्रा तो ऊपर में औ लगच हुआ है, दो मात्रा और नीचे में एक, है ना, तो इसको ये औ की मात्रा, ये है ना। और यहाँ पे देखते हैं अम की मात्रा, ये ऊपर लगेगा और ये यहाँ की मात्रा वर्ण के पीछे लगता है, जिसको हम विसर्ग भी बोलते हैं, है ना। तो ये है स्वर वर्ण हो गया, अ से आहा तक स्वर वर्ण, हालांकि इसको अनुस्वार बोलते हैं लेकिन ये स्वर वर्ण में ही आता है। तो अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ अ अम आहा। अब मात्राएं देखते हैं, मात्रा कैसे पढ़ते हैं। अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा, ये ऐसे मात्रा पढ़ते हैं, ओके। तो ये स्वर वर्ण पहले लिखोगे आप अपने कॉपी में, जस्ट उसके साइड में ये मात्राएं लिखोगे, ओके। और लिखने के साथ उसका उच्चारण भी आना चाहिए, जैसे कि ये अ है तो ये छोटा उच्चारण होगा, आ है तो थोड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, है ना, आ, छोटी के लिए भी छोटा ही ई, और ई ये फर्क है इसमें मात्रा, है ना, इसको बड़ी बोलते हैं तो इसका फर्क क्या है, थोड़ा लंबा खींचेगा ई ऐसा करके, है ना। तो ये छोटा ऊ है तो ऊ, बड़ा ऊ है तो ऊ, री ए ऐ ओ औ अम आहा। सभी मात्राओं का अपना अलग अलग उच्चारण है, स्वर है ना। तो जब तक ये स्वर वर्ण और मात्राओं का उच्चारण नहीं पढ़ पाओगे तब तक आप शब्द रचना नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद हम शब्द रचना पढ़ेंगे। तो जब तक शब्द रचना पढ़ेंगे तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण और मात्राएं आपको कंठस्थ होना चाहिए, ओके। मैं कॉपी में ये लिखोगे। थैंक यू।